पुराने पुल की तरह मैनुअल ऑपरेशन और कंट्रोल की जगह इस नए पुल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम होंगे जो कि ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़े होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाम्बन ब्रिज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये पुल भारत के तमिलनाडु राज्य में मंडपम शहर को पाम्बन द्वीप और रामेश्वरम को जोड़ने वाला एक तरह का कैंटिलीवर रेलवे ब्रिज है। ये पुल अगस्त 1911 से बनना शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन 24 फरवरी 1914 में हुआ था। तब ये भारत का इकलौता समुद्री पुल था। फिर 1988 में इस रेलवे पुल के बगल में एक सड़क पुल भी बनाया गया जो कि नेशनल हाईवे 87 का हिस्सा है। सन 2010 में बांद्रा वर्ली सीलिंग के खुलने तक ये पुल भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। इस पुल की कुल लंबाई 2058 मीटर या यूं कहें 2.58 किलोमीटर है, जिसमें स्टील गर्डर्स के 146 स्पैन शामिल हैं, 12.20 मीटर के 145 स्पैन और एक 61 मीटर का नेविगेशनल स्पैन भी है। इस नेविगेशनल स्पैन को रेल रोड इंजीनियर विलियम शेजर के नाम पर शेजर रोलिंग लिफ्ट स्पैन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इस पुराने पुल में हाई टाइड के समय समुद्र और गर्डर के निचले हिस्से के बीच में 1.5 मीटर जगह रहती है, जिससे समुद्र की लहरें लगातार इससे टकराती रहती हैं। इस वजह से इसमें काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये थी इस पुराने पुल की कुछ जानकारी। अब जानते हैं नए बन रहे पुल के बारे में। दोस्तों, इस नए पुल को बनाने के लिए लगभग 250 करोड़ खर्च होंगे। बनने के बाद ये पुल देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। इस पुल में 18.3 मीटर के 100 स्पैन और 63 मीटर का एक स्पैन होगा। ये पुल समुद्र तल से 22 मीटर की नेविगेशनल एयर क्लियरेंस के साथ पुराने पुल से 3 मीटर ज़्यादा ऊँचा होगा। इस पुल को रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइन डबलिंग और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 63 मीटर की चौड़ाई वाले नेविगेशनल स्पैन को ध्यान में रखते हुए पूरे पुल को डिज़ाइन किया गया है। पुराने पुल की तरह मैनुअल ऑपरेशन और कंट्रोल की जगह इस नए पुल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम होंगे जो कि ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़े होंगे। साथ ही समुद्र के बहाव को देखते हुए स्टेनलेस स्टील रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कंपोजिट स्लीपर्स और काफ़ी लंबे टाइम तक टिकने वाले पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।